नायका फैशन ऐप से ऑर्डर करने के बाद अगर हमको हमारा ऑर्डर कैंसिल करना है तो वो कैसे होगा, आज की वीडियो में आइए दोस्तों सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं आज हिंदी ज्ञान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नायका फैशन ऐप से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं और आपको वो नहीं चाहिए या फिर कुछ गलती से आपका ऑर्डर हो गया है और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों, कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हमको नायका ऐप में आ जाना है, जो हमने शॉपिंग करते टाइम या फिर ऑर्डर करते टाइम जिस अकाउंट से हम इसको यूज़ किए थे उस अकाउंट से हमको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए सिंपली हमको अपना मोबाइल नंबर डालना रहेगा। अगर लॉगिन नहीं है तो यहाँ से देखिए, आप मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो साइन इन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हमारा अकाउंट लॉगिन है तो डायरेक्टली चलिए अब हम अकाउंट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अकाउंट के ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑर्डर का सेक्शन आ रहा है, तो इस ऑर्डर के सेक्शन पर यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी हम ऑर्डर किए रहेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी। दोस्तों, हमने ऑर्डर कब किया है वो हमको यहाँ पे दिखाएगा। ऑर्डर आईडी हमारी क्या है वो देखिए यहाँ पे हमको ऊपर के साइड दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए अब जो भी हमने ऑर्डर किया है उसकी साइज और उसका नाम यहाँ पे दिखा रहा है, और कब वो पहुँचेगा वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। दोस्तों, अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसको कैंसिल करना तो इस प्रोडक्ट पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की फोटो और सारी डिटेल आ रही है, आपका प्रोडक्ट कब आएगा ये दिखा रहा है, कन्फर्म हो गया है ऑर्डर ये दिखा रहा है, शिप हो जाएगा तब भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। शिप होने के बाद भी मैं आपको नीचे दिखा देता हूं कि नीचे के साइड में आपका डिलीवरी एड्रेस है जहां पे आपका ऑर्डर आना है और आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ अदर डिटेल देखने को मिल जाएगी दोस्तों कि आपको कितना पेमेंट करना है। दोस्तों, ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए सिंपली ये कैंसिल का ऑप्शन देखिए आपके सामने आ रहा है, इस कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपने मल्टीपल ऑर्डर किए तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, आपको क्या ऑर्डर कैंसिल करना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको कैंसिल करना है वो यहाँ से आपको पूछेगा। तो यहाँ से आपके सामने अगर एक ही प्रोडक्ट आता है तो उस पर टिक लगा रहेगा। अगर आपने मल्टीपल ऑर्डर किया है तो कई सारे प्रोडक्ट होंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कैंसिल करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपके सामने रीजन पूछ रहा है कि आप इस ऑर्डर को क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए इस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ देखिए आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें ऑप्शन आ रहा है कि वांट टू चेंज द स्टाइल और कलर, अगर आप इसको चूज करेंगे तो यहाँ से आप कुछ भी डिटेल डाल सकते हैं या फिर आप कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका रीजन हो। यहाँ से देखिए बहुत सारे रीजन आपको आ रहे हैं, तो इसको कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करते हैं। रीजन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कैंसिल आइटम का ऑप्शन आ रहा है, इस कैंसिल आइटम के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ से दिखा रहा है कि आपने जो भी सेविंग की थी वो आप मिस आउट कर दिए हैं, यानी कि आपने इस ऑर्डर पे लगभग 487 रुपीस सेव किए थे, आपको सस्ता पड़ा था। तो आपसे पूछ रहा है कि आप पक्का इसको कैंसिल करना चाहते हैं या नहीं, तो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कन्फर्म के आइकन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप बैक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो कन्फर्म के आइकन पर चलिए हम क्लिक कर देते हैं। वन आइटम कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन पेमेंट किए थे तो आपका अमाउंट वो रिफंड हो जाएगा, तीन से पांच बिजनेस डेज के अंदर आपके सोर्स अकाउंट में ये वापस कर दिया जाएगा पैसा। अगर आपने सीओडी ऑर्डर किया है तो फिर आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आपका पैसा तो वैसे भी कटा नहीं था। तो यहाँ से चलिए दोस्तों ओके का ऑप्शन आ रहा है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने सेम वही ऑर्डर आईडी आ रही है, ये सब लिख करके आपके सामने आएगा। बट यहाँ पे जो अभी तक शिप का ऑप्शन आ रहा था, डिलीवर का ऑप्शन आ रहा था और कंफर्मेशन का ऑप्शन आ रहा था, वो यहाँ से देखिए हट करके कैंसिल हो गया है। तो यानी कि अब आपका ऑर्डर दोस्तों कैंसिल हो चुका है। आप फिर से अगर बैक माई ऑर्डर के सेक्शन में वापस जब आप आएंगे तो आपको ऑर्डर यहाँ पे आपका कैंसिल दिखाएगा। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, ऑर्डर के ऑप्शन पे आते हैं एक बार हम दोस्तों, और देखिए यहाँ से हमारा जो ऑर्डर था वो कैंसिल दिखा रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप फैशन इंडस्ट्री के लिए नायका ऐप का यूज कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा फैशनेबल चीजें ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। आप स्टाइल से जुड़े रहना चाहते हैं अगर, तो आप नायका ऐप का यूज करिए शॉपिंग करने के लिए। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नायका से किस तरीके से हम ऑर्डर कैंसिल करते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।